दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक फ्रेश न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग काजू बागान घूमने जा रहे हैं। ये हम लोग के घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। तो उधर हम लोग का बंजारी डांड है, बंजारी डांड से आगे जो है काजू बागान है, हम आपको दिखाएंगे। और पिछले मेरा एक ब्लॉग में बताया था कि हम लोग जो है वहाँ आम का पेड़ लगाए हैं बंजारी डांड में, तो उसको भी हम आज घूमने जाएंगे। बहुत दिन हो गया वहाँ नहीं गए हैं, तो उसको भी देखते हैं कि कैसा पौधा है, क्या स्थिति है। तो मेरे साथ जा रहे हैं मेरे भतीजा और भतीजी संध्या और गोलू। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग काजू बागान जाते हैं। काजू पक रहा है तो काजू का जो फल होता है उसको खाना है, और फिर वहाँ से फिर हम लोग बंजारी डांड वाला जो हम लोग का बागान है वहाँ जो है हम लोग देखेंगे कैसा है हम लोग का जो आम का पौधा लगाया है वो, और काजू का भी उसमें पौधा लगाए हैं तो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। चलें तो दोस्तों हम लोग गांव से बाहर पुलिया के पास पहुंच गए हैं। ये देखिए पुलिया है, और इधर देखिए ये बंजारी डांड है, और ये ईंटा भट्टा का चिमनी है। तो ये वाला जो है हम लोग का बगान है जिसमें आम और काजू लगाए हैं। और जस्ट उस थोड़ा सा आगे इधर देखेंगे ये रोड जो गया है, तो बाईं ओर ये जो झुंड टाइप से दिख रहा है ये काजू बगान है। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और काजू का फल खाने के लिए, और फिर वहाँ से फिर हम लोग जो है फिर आपको हम अपना जो बगान है आम का उसको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम लोग काजू बागान पहुंच गए हैं। दोस्तों ये जो है जो ज़मीन है ये जंगल विभाग का है, और ये पथरीला ज़मीन है, तो यहाँ पहले पूरा खाली हुआ करता था, बंजर ज़मीन है ये। तो यहाँ जो है काजू लगाया गया है वन विभाग की ओर से, शासन की ओर से। तो देखिए बहुत बड़ा इलाका में है, हम तो यहाँ बस अभी स्टार्टिंग पॉइंट में पहुँचे हैं। उधर बहुत आगे बहुत घना है, तो हम लोग अंदर नहीं घुसेंगे। हम लोग जो है यही आसपास हम घूमेंगे और देखेंगे। तो देखिए इधर ये जो काजू का पेड़ है यहाँ जो है फल लगा हुआ है, तो हम आपको फल दिखाते हैं। और फल जो है जब पक जाता है तो वो लाल दिखाई देता है काजू का फल, तो हम आपको चलिए दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए ये होता है काजू का फल ऐसा, और इधर देखिए बहुत सारा फल लगा हुआ है। और ये देखिए ये अभी शुरुआती है ना, और जब ये तैयार हो जाता है तो ऐसा इसका फल लाल हो जाता है। देखिए गोलू चढ़ गया है पेड़ में और तोड़ रहा है, ना जाने कितना काजू खाएगा। दोस्तों देखिए इस तरह से काजू का बीज जो है इसमें लगता है। देखिए ऊपर ये फल है और नीचे ये बीज है, और ये जो बीज है इसके ऊपर जो है हार्ड सेल है, कठोर सेल इसके ऊपर रहता है, फिर इसको प्रोसेसिंग करके निकाला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा एसिड होता है।
और उसको हम ऐसे ही अभी नहीं खा सकते क्योंकि इसको प्रोसेसिंग किए बिना इसको बीज को नहीं खाया जा सकता। और ऊपर वाला जो फल होता है यही फल जब पक जाता है तो पकने के बाद जो है ये काजू जो बीज होता है ये बीज गिर जाता है। इसलिए देखिए यहाँ जो पके हुए फल हैं, ये जो पके हुए फल हैं, ये पके हुए फल के नीचे जो है हमको काजू का बीज नहीं मिला क्योंकि ये गिर जाता है नीचे। दोस्तों देखिए ये काजू का पका हुआ फल है तो इसका स्मेल जो है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं लगता है। मैं तो अगर इसको अगर खा लूँ चख भी लूँ तो मेरे को उल्टी टाइप से लगता है। मेरे को इसका जो है सुगंध बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। संध्या गोलू लोग जो है इसको पसंद करते हैं तो लोग खाने के लिए आए हैं, बाकी हम तो इसको खा ही नहीं सकते हैं। अजीब जो है स्मेल आता है, मेरे को सूट नहीं करता। तो हुआ तुम लोग का तोड़ना, तो चले हैं फिर क्योंकि बागान भी दिखाना है आप लोग को और हम लोग का बागान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए ये जो ईटा भट्टा का चिमनी है वो चिमनी से जस्ट नीचे जो है हम लोग का आम का बागान है। रुको ना, हम लोग बागान पहुँच गए हैं। ये देखिए आम का पौधा, देखते हैं पानी का जलस्तर कितना है रिंकुआ में। अरे बहुत ऊपर पानी है, लेकिन सिंचाई के लिए रिंकुआ को खुदवाया गया था लेकिन अभी तक सिंचाई करने का नौबत नहीं आया है क्योंकि बीच बीच में बारिश हो ही रही है लगातार कुछ कुछ दिनों के अंतराल के बाद, तो पौधों को आम के पौधों को पानी मिल जा रहा है। बीच में थोड़ा सा मार्च अप्रैल के समय में थोड़ा सा बीच में गैप था तो उस समय थोड़ा सा पानी का ज़रूरत पड़ ही रहा था, लेकिन जो आम का पौधा है सर्वाइव कर लिया वो। खैर अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछले अभी 15 दिनों से हर 3-4 दिन के अंतराल के बाद जो है अच्छी बारिश हो रहा है। कैसा लग रहा है बगान घूमते हुए? मज़ा आ रहा है। चलिए हम लोग बगान घूम लिए, काजू बगान घूम लिए, हम लोग का बगान घूम लिए, अब चलिए चलते हैं घर। सनसेट हो चुका है, अब अंधेरा होने को है, तो अब हम लोग घर जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और शाम का नाश्ता में आज बना है अरंडी रोटी, जिसको हम लोग अपने स्थानीय भाषा में अरंडी रोटी बोलते हैं। उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अरंडी का एक पत्ता होता है जंगल में मिलता है जो लता के रूप में होता है, तो उसका पत्ता में रोटी को बनाया जाता है, लेकिन जंगल में आजकल वो पत्ती मिलता नहीं है इसलिए केले के पत्ती में बनाया जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि रोटी कैसे होता है और कैसे उसको बनाया जाता है। ये केला का पत्ती है ऊपर में, इसको भाप में स्ट्रीम किया गया है जैसे इडली को स्ट्रीम करते हैं वैसी, और अंदर में ये देखिए ये है रोटी। ये देखिए ये रोटी को जो कोहड़ा होता है पका हुआ कोहड़ा, पम्पकिन जिसको बोलते हैं, उसको और चावल का आटा और गुड़ के मिश्रण से बनाया जाता है। उसके बाद जो है फिर इसको पत्ती में लपेटा जाता है, लपेटने के बाद इसको फिर स्ट्रीम किया जाता है। कभी और बनाएंगे तो उसका प्रोसेस भी हम वीडियो में आपको दिखाएंगे, आज हम शूट नहीं कर पाए। साथ में इसको दही के साथ खाया जाता है, अभी गर्मी का दिन है और दही के साथ खाना इसको बहुत अच्छा है। लेकिन आपका रोटी नहीं दिख रहा है।